हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स साइडल मई सर डॉक्टर कविता गुप्ता बच्चों आज हम कॉम्पैक्ट स्पेसिस के चैप्टर में थ्योरम करेंगे कि इफ एफ इज वन टू वन कॉन्टीन्यूअस मैप ऑफ अ कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस ऑन टू अनदर मीट्रिक स्पेस से वाई देन एफ इज अ होम्योमॉर्फिजम ये करते हैं बेटा और इससे रिलेटेड कुछ और काम भी करेंगे सो लेट अस स्टार्ट देखो एफ इज कॉन्टीन्यूस मैप फ्रॉम एक्स टू वाई ठीक है अब देखो एफ एक मैपिंग दी हुई है आपको x से y पर और ये f क्या है ये वन वन भी है ये ऑन टू भी है और ये कॉन्टीन्यूस भी है ठीक है और x हमें क्या दिया हुआ है कि कॉम्पैक्ट है इतनी सब चीज़ें दी हुई हैं और हमसे क्या मांगा है इसने कि f इनवर्स इज ऑल्सो कॉन्टीन्यूस अब आप खुद सोचो f अगर वन वन भी हो जाए ऑन टू भी हो जाए कॉन्टीन्यूस भी है अगर f इनवर्स भी कॉन्टीन्यूस आ गया तो f होम्योमॉर्फिज़म बन जाएगा तो हमें क्या प्रूव करना है कि एफ होम्योमॉर्फिज्म है क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है कि शो कीजिए एफ होम्योमॉर्फिज्म है या फिर शो कीजिए एफ इनवर्स कॉन्टीन्यूस है तो अगर आपको ये मालूम है कि वन वन है ऑन टू है कॉन्टीन्यूस है तो एफ इनवर्स भी अगर कॉन्टीन्यूस आ गया तो अपने आप होम्योमॉर्फिजम बन जाएगी ठीक है तो हमारा मेन काम है इस क्वेश्चन में ये शो करना कि एफ इनवर्स कॉन्टीन्यूअस है तो देखिए बेटा अगर एफ वन वन है और ऑन टू है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट भी करेगा एंड दैट इन्वर्स इज ऑल्सो वन वन एंड नॉन टू तो हमने लिख दिया कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट करता है अब आप खुद देख सकते हैं कि एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ होगा अगर एफ एक्स से वाई पर है तो एफ इनवर्स वाई से एक्स पर होगा अब हम शो करते हैं कि एफ इनवर्स कॉन्टिन्यूस है तो उसके लिए हम क्या शो करेंगे हमारे को पता है कि कॉन्टीन्यूटी के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं सिक्वेंशियल क्राइटेरिया होता है ओपन सेट्स वाला होता है कि इन्वर्स इमेज ऑफ़ एवरी ओपन सेट इज़ ओपन अंडर कॉन्टीन्यूटी और एक आपको पता है इनवर्स इमेज ऑफ एवरी क्लोज सेट इज़ क्लोज अंडर कॉन्टीन्यूटी उससे भी हम प्रूव कर लेते हैं तो यहाँ पर मैं करने जा रही हूँ क्लोज वाले से तो मैंने क्या किया बेटा को डोमेन के अंदर कोई भी ये जो है ना एफ इनवर्स इसका को डोमेन तो एक्स है इसके अंदर को डोमेन में कोई भी एक क्लोज सबसेट ले लीजिए और शो कर दीजिए कि इसकी जब एफ इनवर्स निकालेंगे तो एफ इनवर्स ऑफ ए इज क्लोज इन बाय तो मैं ये शो कर दूंगी ठीक है सो आई हैव टू शो दैट इनवर्स इमेज ऑफ ए इज़ क्लोज इन बाय अंडर एफ इनवर्स तो ये जो है आपका होम्योमार्फिजम बन जाएगा ठीक है ना तो ये मुझे शो करना है तो हम क्या करेंगे देखो मुझे दिया हुआ है कि ए इज अ क्लोज सबसेट ऑफ एक्स अब ए इज अ क्लोज सबसेट ऑफ एक्स और एक्स क्या है कॉम्पैक्ट तो आपको जब ये चैप्टर शुरू कराया था तो लेक्चर नंबर टू में ही मैंने ये बात बता दी थी कि क्लोज सबसेट ऑफ अ कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस इज कॉम्पैक्ट तो ए क्या आ गया कॉम्पैक्ट आ गया ठीक है तो हमारा अगर ए कॉम्पैक्ट आ गया तो हमारा रेंज ऑफ अ कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेसिस कॉम्पैक्ट ये आपने पढ़ा हुआ है अंडर तो ऑफ भी कॉम्पैक्ट आ जाएगा तो एफ ऑफ इज कॉम्पैक्ट इन वाई बिकॉज इज इज दिस गिवन टू यू और फिर हमने ये भी किया हुआ है कि अगर कॉम्पैक्टनेस होती है तो इट कॉम्पैक्टनेस इम्प्लाइज क्लोजनेस एंड बाउंडेडनेस तो एफ ए क्या आ जाएगा क्लोज भी आ जाएगा और बाउंडेड भी आ जाएगा आपके पास सारी थ्योरम्स का इस्तेमाल करना है आपने डायरेक्ट तो एफ ए जो आ गया क्लोज भी आ गया और बाउंडेड भी आ गया और ये एफ ए है क्या चीज़ आपके पास ये देखिए F इनवर्स ऑफ इनवर्स क्या होता है F ही होता है तो आप F की जगह पे लिख सकते हो F इनवर्स इनवर्स ठीक है तो F इनवर्स इनवर्स जो है F ही होता है तो ये इसके बराबर आ गया तो अगर एफ ए क्लोज है तो F इनवर्स इनवर्स इज क्लोज ठीक है तो मुझे यही शो करना था कि इनवर्स इमेज ऑफ A इज क्लोज अंडर F इनवर्स तो हमने वो चीज़ शो कर दी तो इसका मतलब F इनवर्स क्या आ गया आपका कॉन्टिन्यूस आ गया अगर F आ गया है, तो ये क्या बन जाएगा? बन जाएगा. F ना क्यों क्योंकि इन्वर्स भी, भी, भी कॉन्टीन्यूस है तो वो क्या बन गई होम्योमोरफिज बन गई क्लियर बच्चों चलिए आगे देखिए आपके पास है फाइव पॉइंट थ्री पॉइंट नाइन रिमार्क दंडीशन दैट एक्सिस कॉम्पैक्ट इज असेंशियल इन दी अबव थ्योरम कि आप कॉम्पैक्टनेस की जो कंडीशन हमने एक्स के ऊपर लगाई थी उसे ड्रॉप नहीं कर सकते हो तो इसके लिए आपको एक काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि अगर मैं कॉम्पैक्टनेस ड्रॉप कर दूँ तो ऊपर का रिजल्ट होल्ड नहीं करता तो हमने क्या किया ओपन इंटरवल जीरो वन लिया है ये एक्चुअल में जीरो की साइड से क्लोज्ड है और वन की साइड से ओपन है तो ऐसे सेट को हम क्लोज ओपन सेट्स बोलते हैं ठीक है हमने मीट्रिक यूजुअली ही डिफाइन किया है तो आपको पता है कि सिर्फ क्लोज इंटरवल्स जो होते हैं ना बिल्कुल क्लोज एंड बाउंडेड वो कॉम्पैक्ट होते हैं अगर वो ओपन है एक साइड से तो वो कॉम्पैक्ट नहीं है तो एक्स इज नॉट कॉम्पैक्ट बिकॉज इट इज नॉट क्लोज आपको पता है क्लोज्ड सब कॉम्पैक्टनेस इम्प्लाइज क्लोजनेस तो नॉट क्लोज इम्प्लाइज नॉट कॉम्पैक्टनेस ठीक है तो ये जो है स नहीं आएगा क्योंकि मैं आपको हमेशा बताती हूँ क्लोज तो नहीं है तो वो कॉम्पैक्ट भी नहीं होगा ठीक तो x इज नॉट कॉम्पैक्ट अब आपने y डिफाइन किया है z बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं जिनका मॉड्युलस वन है जिनकी एप्सोल्यूट वैल्यू वन है आपने ये ले लिया और मीट्रिक कहा से लिया कॉम्प्लेक्स नंबर से ले लिया तो अब आपने मैपिंग डिफाइन करी एफ इज फ्रॉम एक्स टू वाई वेयर एक्स क्या चीज है आपके पास ये ठीक है और वाई क्या है आपके पास ई कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट जिसके अंदर वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिसका डोमेन जिसका मॉड्युलस वन है तो ये किस तरीके के एलिमेंट होंगे ई टू पाई आई एक्स ये इसका मतलब क्या है कॉस टू पाई प्लस आई साइन टू पाई आप चाहें तो इसका मॉड्युलस निकाल के देख लो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर तो ये क्या आ जाएगा वन तो हमें ऐसे ही एलिमेंट लेने थे जिनका मॉडुलस वन है तो हमारी जो मैपिंग है ये ठीक है वेल well डिफाइंड है एफ ऑफ एक्सेस ई ऑफ टू पाई आई एक्स ठीक है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन ठीक अब आप ये देख सकते हैं कि एफ जो है वन वन भी है ऑन टू भी है कॉन्टीन्यूअस भी है ये आप सब जो हैं इसको बड़े आराम से प्रूफ कर सकते हैं कि वन वन भी है ऑन टू भी है कॉन्टीन्यूअस भी है अब मैं शो करती हूँ कि एफ इनवर्स कॉन्टीन्यूअस नहीं है ये इसके अंदर तभी ये रिजल्ट ऊपर का होल्ड नहीं करेगा तो उसके लिए एफ इनवर्स कॉन्टीन्यूअस नहीं है उसके लिए मैं क्या करूँगी सिक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ कॉन्टीन्यूटी का यूज़ करेंगे हम हाँ। तो देखिए मैंने एक्सन कोई भी एक सिक्वेंस ले लिया एक्स एन कोई भी सिक्वेंस लिया इस सीक्वेंस की लिमिट निकालोगे तो क्या आएगी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू ये आ जाएगी यहाँ पे देखो वन आ गई ये वन जो है जीरो वन इंटरवल के अंदर नहीं आ रहा तो मतलब xn इज अ सीक्वेंस विच इज नॉट कन्वर्जेंट इन एक्स ठीक है पहली बात तो ये फिर हमने वाई एन निकाला वाई एन क्या होगा आपका वाई इक्वल टू एफ एक्स है तो वाई वाई एन इक्वल टू एफ ऑफ एक्सएन अगर आपने लिया ये हम ले रहे हैं वाई एन इक्वल टू एफ ऑफ एक्सएन एफ ऑफ का क्या मतलब है देखो एफ एक्स है आपका ई टू पाई आई एक्स तो एफ ऑफ एक्सन क्या हो जाएगा बेटा ई टू पाई आई एक्स एन तो e टू पाई i x n है मेरा वन माइनस वन बाई एन अब इसकी लिमिट लो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स एन तो जब इसकी लिमिट लोगे तो n को इन्फिनिटी डालते ही वन अपॉइंट इन्फिनिटी जीरो तो आपके पास बच जाएगा e टू पाई i इसका क्या मीनिंग है बेटा e cos टू पाई प्लस i sin टू पाई अब cos टू पाई होता है वन sin टू पाई होता है जीरो तो लिमिट आ गई वन एंड दिस वन इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो क्यों क्योंकि एफ ऑफ एक्स है आपके पास e टू पाई आई एक्स इसमें x को ज़ीरो डालोगे तो आ जाएगा e टू पाई आई ज़ीरो और cos ज़ीरो क्या इसका मतलब हो गया cos जीरो प्लस आई साइन ज़ीरो कॉस ज़ीरो होता है बेटा वन आपके पास तो आपकी जो लिमिट आई है वो क्या आ गई आपकी इसकी एफ वन वाई एन की जो लिमिट आई वो क्या आ गई आपके पास एफ जीरो आ गई इसके आगे का बेटा लिख लेना जरा एक बारी तो हमने क्या शो कर दिया कि जो एफ ऑफ एक्स एन है हमारा जो था, वो था, वो किस पे कन्वर्ज कर रहा है F पर और एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स एन क्या हो जाएगा बेटा आपको पता है एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स एन जो है वो किसके बराबर है एक्स एन के बराबर है वो कन्वर्ज नहीं कर रहा एफ इनवर्स ऑफ वाई के ऊपर ठीक है देखो हमारा एक्सएन तो कन्वर्ज कर रहा था हमारे पास आ, उसके ऊपर एफ ऑफ एक्सएन कन्वर्ज कर रहा है एफ जीरो पर बट एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्सएन इज़ नॉट कन्वर्जिंग टू एफ इनवर्स ऑफ एफ जीरो क्या था वन तो यानी कि एफ इनवर्स वन पर वो कन्वर्ज नहीं कर रहा था दिस इज़ नॉट कन्वर्जेंट टू एफ इनवर्स ऑफ वन तो एफ इनवर्स जो है सिक्वेंशियल क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा तो एफ इनवर्स अगर सिक्वेंशियल क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहा तो f इनवर्स इज नॉट कॉन्टीन्यूअस ठीक है बेटा ये लिख लेना लास्ट की दो तीन लाइनें कि हमने शो कर दिया हमें शो करना था f इनवर्स कॉन्टिन्यूस नहीं है f इनवर्स कॉन्टीन्यूअस नहीं है इसका मतलब हमें शो करना था कि f इनवर्स सिक्वेंशियल क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता इसका मतलब कि अगर एक्सएन कन्वर्जेंट टू एक्स आ जाए तो एफ इनवर्स ऑफ एक्सएन डज नॉट कन्वर्स टू एफ इनवर्स ठीक है तो हमने यही लिया कि हमने एक सीक्वेंस ले लिया एफ ऑफ एक्सन कन्वर्ज कर रहा है एफ जीरो पर बट एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्सन इज नॉट कन्वर्जन टू एफ इनवर्स ऑफ एफ जीरो क्लियर हो गई बच्चों बात तो हमारा जो है ये सिक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉलो नहीं हो रहा तो फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस नहीं होगा क्लियर बच्चों ये लास्ट की दो तीन लाइनें आप लिख लीजिए जो मैंने ब्लू पेन से लिखी है राइट right? मैं दिखा देती हूँ आपको चलिए सो so, आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ बेटा नेक्स्ट क्लास में और आगे पढ़ाऊँगी टिल देन पढ़ाई करते रहे बच्चों ऑल द बेस्ट